continuing with approaches in cross cultural psychology, cultural mixtures approach and integrative approach, part 2 Activity is a process of individual's goal directed interaction with the environment. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं जो भी कर रही हूँ बताओ एक individual के, मैं interact कर रही हूँ अपनी environment से और उसका कोई मकसद है। I have a goal, I want to go and pick up this certain thing, so that is the purpose of that interaction. I go and drink water, that is the purpose of that interaction to get water. So, it is a goal directed. So, that is human activity. In ki motivation, emotion, thoughts, and reactions cannot be separated from the human activity. एज आ सैड हर एक्टिविटी हर एक्शन के पीछे एक सोच एक जज्बा एहसास खाश होती है और उससे ही वो रिएक्शन जो है हम देते हैं कुछ होता है उसका रिएक्शन देते हैं या कुछ चाहिए होता है तो उसके लिए एक्शन करते हैं एंड दीज आर डिटर्मेंड बाय इंडिविजुअल सोशो एकनॉमिक इन्वायरमेंटल कल्चरल एंड पोलिटिकल कंडीशनस इस बात को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि किसी जगह की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वहाँ का मौसम इन्वायरमेंट रहन सहन का तरीका शहर उनका आ, शहर की ज्योग्राफी क्या है वो पहाड़ है या सहरा है या गांव है या शहर है और सोशियो इकनॉमिक विच मीनस के एजुकेशन सिस्टम ऑफ लिविंग फैमिलीज़ Uh, the way we shape our everyday living, in combination with the money that we have and what how the economy is doing, things are expensive or things are not expensive. Nothing is free or lots of things are free. So गांव में ही कहते हैं कि फूड बहुत सस्ती भी होती है और मुफ्त भी होती है। आप साग तोड़ लेते हैं, कार लेते हैं। You can't do that in the city. So जस्ट दैट वन थिंग विल चेंज हॉस्पिटेलिटी मेहमानदारी बिकॉज मेहमानदारी इज सोशल एंड गेटिंग फ्री फूड इज एन इकोनॉमिक फैक्टर सो सी आर बिहेवियर इज शेप्ड बाई ऑल दीज थिंग्स एंड देन ह्यूमन बिहेवियर चेंजिस दिज कंडीशंस जो भी मैं फैसला करती हूँ कि मैंने अब ऐसे करना है या ऐसे रहना है उस या अपने शहर या अपनी फैमिली या अपने मुल्क को अब यूं कर लेना है So, that also changes these conditions. And human actions have uh, impacted the environment. The climate change is one action, the global warming is another uh, consequence of human actions. So, we see we shape our uh, environment as well, we affect it not immediately. If we pollute waters, if we overuse water, if we waste electricity, और इफ़ वी थ्रो लॉट ऑफ वेस्ट इन टेन ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी ईयर्स वी विल सी वॉट वी आर सींग नाओ फ्लड्स ग्लोबल वार्मिंग ऑलमोस्ट ड्रॉट लाइक कंडीशन नो वाटर इन कैलिफोर्निया फायस इन द जंगल्स देअर फ्लड्स इन पाकिस्तान सो ग्लोबल यूनिवर्सल बट ह्यूमन बिहेवियर से आने वाली चीज़ें हैं इस दुनिया को इंसानों के बिहेर के अलावा किसी और ने ख़राब नहीं किया दैट्स लॉन्ग टर्म लेकिन अगर आप शोर हो रहा है गर्मी हो रही है तो उसका इमीडिएट रिएक्शन होता है हमारा बिहेवियर टूवर्ड्स एनवायरनमेंट का कुछ साल लगते हैं सो यू सी वी शेप इट आल्सो इंटेग्रेटिव अप्रोच ये एजर्ट करती है कि दैट एक्सेस टू रिसोर्सेज इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इकट्ठा भी करता है और अलग भी करता है लोगों को और कल्चर्स को क्या रिसोर्सेज हैं पानी है बिजली है खुराक है खेत हैं सूरज की रोशनी है हवा कितनी चलती है बारिश कितनी होती है दीज़ आर ऑल रिसोर्स हमारे पास ये रिसोर्स कितने हैं जो नेचुरल हैं और वो रिसोर्स जो के मैन मेड है मटीरियल हैं इसको हम डिस्कस करेंगे ये कल्चर का और इंसान के अपने इंडिविजुअल बिहेवियर के बहुत से पहलुओं को मुतासर करता है और उसके ऊपर असरअंदाज होता है कल्चरल अप्रोच जो है इसने साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड कल्चर को बहुत फ़ायदा दिया है बहुत इनरिच किया है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट जो हैं जैसा कि मैंने इंटेग्रेटिव अप्रोच के बारे में बताया वो हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी इन सब को जानते हैं समझते हैं और उससे बौरो करते हैं उसके ज़रिए क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है इस नॉलेज का फ़ायदा यह है कि हम मल्टी लेवल डेटा एनालिसिस कर सकते हैं इंडिविजुअल के लेवल पे फैमिली के लेवल पे ग्रुप के लेवल पे सोसाइटी के लेवल पे, मुल्क के लेवल पे, सो so, इसका दायरा बहुत वसी है और ये ज़्यादा इन्फॉर्मड है क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी या बायोलॉजी का नॉलेज नहीं है नॉलेज इसमें एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री और सोशोलॉजी का नॉलेज भी है और जब हम कल्चर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम रिलीजन को भी ए, का नॉलेज जो है वो उसमें आ, शामिल हो जाता है और उसको भी जहन में रखना पड़ता है